टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्ट्रेस मंदिरा बेदी के पति राज कौशल का बुधवार को निधन हो गया। राज कौशल को हार्ट अटैक आया था जिसके कारण उनकी तत्काल मौत हो गई। राज के निधन की खबर पाते ही उनके घर कई दोस्त और परिजन दुख की इस घड़ी में मंदिरा और बच्चों के साथ देने के लिए पहुंचे। पति के निधन से रो रोकर मंदिरा का बुरा हाल हो गया है। राज के शव को जब एम्बुलेंस में रखा जा रहा था तो मंदिरा उन्हें देख फपक कर रो पड़ी। यह दृश्य दिल चीर देने वाला था। मंदिरा फूट फूट कर रोने लगी, तब उनके दोस्त और एक्टर रौनित राय ने उनको सहारा दिया। बुधवार सुबह जैसे ही यह खबर आई कि राज कौशल नहीं रहे, पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा। किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अभी रविवार को ही तो मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कौशल ने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना फन नाइट की तस्वीर शेयर की थी। राज कौशल ने प्यार में कभी कभी, शादी का लड्डू और एंथनी जैसे फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जबकि वह माई ब्रदर निखिल, शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी के प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने 1992 में रिलीज बेखुदी के स्टंट्स भी डायरेक्ट किए थे। राज कौशल ने वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1999 में मंदिरा बेदी से लव मैरिज की थी। साल 2011 में दोनों बेटे वीर के पेरेंट्स बने। राज कौशल को जानने वाले लोग बताते हैं कि वह यारों के यार थे। मंदिरा बेदी और राज ने अक्टूबर 2020 में एक बेटी तारा बेदी को गोद भी लिया था। तारा की उम्र 4 साल थी। मंदिरा और राज की पहली मुलाकात 1996 में हुई थी। राज तब एड फिल्म्स बनाने वाली कंपनी में काम करते थे और उन्हें फिलिप्स के विज्ञापन के लिए एक लड़की की तलाश थी। मंदिरा शांति टीवी शो और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म से तब स्टार बन चुकी थी। इस पहली मुलाकात के बाद दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई, जो प्यार और फिर शादी जैसे रिश्ते में बदल गई। मंदिरा और राज अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वेकेशन और पार्टी की तस्वीरें शेयर करते रहते थे। उम्र के साथ दोनों का प्यार और गहरा हुआ था। रिश्ते को लेकर समझ और सम्मान बढ़ा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राज कौशल इस तरह अचानक से हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। मंदिरा के लिए ये यकीनन एक अंतहीन दुख है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिग स्क्रीन की तरफ से भी श्रद्धांजलि।